हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने लास्ट क्लास से जहां से फिनिश किया था वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले हमने कुछ होमवर्क दिया था, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो होमवर्क था हमारा, ठीक है। तो होमवर्क में क्या क्या था, कुछ क्वेश्चंस थे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, कुछ एक क्वेश्चन था हमारा, अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम ऐसे बनाते हैं डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसे प्लेन पर ऊपर की साइड नॉर्थ लेते हैं, ईस्ट मतलब जो डायरेक्शन होती है एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल होती है डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ मतलब तुमसे बोला कि नॉर्थ में जाना, नॉर्थ में जाना मतलब तुम छत पे नहीं जाओगे, नॉर्थ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी एक्चुअल में, पर अब पेपर पे बनाएंगे तो उनको इस तरह से ले लेते हैं। तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं कितने, 50 की स्पीड से। तो V1 = 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर यहां से क्या कर रहा है वो, इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड, स्पीड चेंज नहीं कर रहा, 50 किलोमीटर की स्पीड है बट लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो ये इस तरफ जा रहा है तो राइट लेफ्ट हम जा सकते हैं, राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, तो लेफ्ट टर्न ले लिया इसने, इसे अभी घर जा रहा है, कोई स्पीड इतनी है, डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमें बताना है इसका चेंज इन इस वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं इस तरफ, ये फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी रहेगा हमारा V2 - V1। वेलोसिटी वेक्टर है तो ऐसे लिख देंगे हम V2 - V1। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगी हमारे, तो V2 इधर है। तो देखो ये दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमने सीखा था, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। V2 तो इसी तरफ है, ठीक है, और V1 ऊपर है तो -V1 नेगेटिव है, तो -V1 लाइक -V1 किधर जाएगी, नीचे की तरफ, तो ये -V1, तो V2 - V1 क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये V2 - V1 होगा। ऐसे सबट्रैक्ट करते हैं, V2 - V1, V2 इधर है, V1 इधर है, तो -V1 नीचे की तरफ होगा, एरो नीचे आ जाएगा, ये -V1। फिर V2 - V1 मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट वैसे बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये रिजल्टेंट आएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है, ये कौन सी है, वेस्ट है। तो जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी साउथ वेस्ट, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा था, V2 - V1 का मैग्नीट्यूड √V1² + V2² - 2V1V2 cos θ, θ का वैल्यू 90 है यहां पर, ये एंगल V1 और V2 के बीच में, V1 ऊपर जा रहा है, V2 इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसका भी वैल्यू 50² + 50² तो ये हो जाएगा 50√2, रूट टू का वैल्यू तुम्हें पता है 1.41, तो ये अप्रोक्स 70 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली मिड में होगा, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये 45 डिग्री पर होगा, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते थे, एग्जाम मिड से बाइसेक्ट करता है उसको, वेक्टर सम में सीखा था, तो यहाँ पर काम आ रहा है हमारे जो सीखा था हमने, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 70 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा एक, तो वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, उसको ग्राफ दिया हुआ है ऐसे पी और एक्स, थोड़ा बहुत ग्राफ तुम्हें रीड करना आता होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ बना, पहले ऐसे है वैसे, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही, स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स और टी प्रोपोर्शनल है, एक्स टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को शो करता है, कॉन्स्टेंट स्पीड को। पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहां तक, ये कोई टाइम इंटरवल है, इसके बाद फिर ये ऐसे आ गया,
मतलब अब x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अब पोजिशन चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजिशन चेंज नहीं हो रही, पोजिशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ये रेस्ट के लिए होता है। तो ये रेस्ट और ये यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। पहले वो यहां से आता है यूनिफॉर्म मोशन में, उसके बाद रेस्ट में आ जाता है। तो ऐसा एक ऑप्शन है, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम डी जीरो एंड देन स्टॉप्स, फिर वो रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी यू टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, उसकी वेलोसिटी कुछ ईस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बनाना आती है हमें, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, उस तरफ मूव कर रहा है वो ईस्ट में, ठीक है, यू वेलोसिटी से। इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स वेस्ट, बट इसका जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के अपोजिट है, ये इस तरफ मूव कर रहा है ईस्ट में, और एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, तो मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन, मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा इसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की, ईस्ट में उसका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन फर्स्ट 10 सेकंड्स एंड नेक्स्ट, ये फर्स्ट 10 सेकंड में है और ये नेक्स्ट 10 सेकंड्स, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ मुझसे, इसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है पर सेकंड वो कम होता जाएगा, स्पीड कम हो रही है मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पहले 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, बाद के 10 सेकंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। अगर तुम चाहो तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन से कर सकते हैं इसको इजीली। मान लो वो ए से स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्पीड यू है ए पॉइंट पर, बी तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगते हैं, पहले डिस्टेंस कवर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स पे, फिर बी से सी इसमें भी 10 सेकंड लगते हैं उसको, और इसका एक्स बी है। अब एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन बताना, तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इक्वेशन अप्लाई कर दो ए से बी के लिए सेकंड इक्वेशन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ए कांस्टेंट होगा, अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए एक्स ए यू का जगह यू लिख देता है, टी की जगह 10, और रिटार्डेशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ए अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, टाइम 10 का स्क्वायर, तो जगह 10 यू, और ये हो जाएगा 100/250 ए। ऐसे एक्स बी भी निकाल लेंगे, एक्स बी कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से पूरा ए से सी निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं पता, मुझे जैसे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए पर नहीं पता, तो मैं इसलिए ए से सी निकाल रहा हूं, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी निकाल रहा हूं सीधा पूरा डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस से क्या फायदा होगा मुझे, मुझे यू का वैल्यू पता होगा, यू पता होगा तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो यू पता है, और यहां से यहां टोटल टाइम 10 और 10 20 20u, ठीक है, माइनस हाफ ए और 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ जाएगा 20u माइनस 200a, ये एक्स ए प्लस एक्स बी आया, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स बी चाहिए, एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स ए को उधर ले जाएंगे सेपरेट कर देंगे, 20u माइनस 200a, इसमें से एक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स ए की वैल्यू दे दी, 10u माइनस 50a, तो 20 माइनस 10 10u माइनस 200 प्लस 50 माइनस 150, अब इसको और इसको कंपेयर करो, यहां पर माइनस 50 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहां पर 150 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ये कम आएगा और ये ज्यादा आएगा, मतलब एक्स ए क्या है ज्यादा है एक्स बी कम है, चाहो तुम कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, इससे भी कर सकते हो कैलकुलेशन से भी, या डायरेक्टली हम बता सकते हैं, डायरेक्टली कैसे बताएंगे, क्योंकि स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी तो जो डिस्टेंस कवर्ड है पर सेकंड वो कम होती जाएगी, तो पहले 10 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अब बाद में स्पीड कम होगी तो बाद के 10 सेकंड में डिस्टेंस कम कवर करेगा,
डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फोर, अ पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है v1 से फॉर सम टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड देन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल के केस में मैंने डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, v1 प्लस v2 बाय 2। अगर इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल है तो डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस एक्स एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस में एवरेज वेलोसिटी की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। पर ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे चेंज, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1v2, ऐसे कर देते हैं, 2 को इधर ले आओ ऊपर और v1 v2 से डिवाइड करो, तो इधर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 बचेगा, इसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो v1 बचेगा, तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, 2 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, सी ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ बनेगा, इसमें फिफ्थ बनेगा। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे, उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक, डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सबसे पहले 50 मीटर नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, मान लो ए से स्टार्ट कर रहा है, 50 मीटर चला गया इधर, ए से बी पर पहुंच गया, फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट इस तरफ, तो 40 मीटर इधर चला दो इसको, सी पर पहुंच गया 40 मीटर, फिर यहां से 20 मीटर ड्यू साउथ, तो यहां से 20 मीटर साउथ की तरफ, तो 20 मीटर साउथ की तरफ गया बस, ठीक है, फाइनली पहुंच गया। अब इसमें पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाथ की लेंथ पहले 50 चला, फिर 40 चला, फिर 20 चला, तो 50 प्लस 40 प्लस 20 110 मीटर। और कुछ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है ये इनिशियल है, ये फाइनल, तो डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगी ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट होगा AD। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको यहां से ऐसे मिला दो, ठीक है, ऐसे मिला दिया, ये 20 तो ये भी 20 होगा, तो ये बचा हुआ हो जाएगा ये वाला, यहां से यहां तक ये 30 हो जाएगा, ये 30 मीटर 40, तो ये भी 40 मीटर, ये 30 है 40, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर, पाइथागोरस से निकाल सकते 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50। और डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन कैसे बता देंगे, इसमें ये वाला एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा tan थीटा का निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 40/30 या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/3। और इस एंगल को देखो लिखेंगे, ये वाली डायरेक्शन है कौन सी, नॉर्थ, और ये वाली है ईस्ट, ये नॉर्थ ये ईस्ट, और उसके बीच में से ये थीटा एंगल जा रहा है इस तरह से ए से डी पर, थीटा की वैल्यू है, तो वैसे इसकी वैल्यू हमने निकालना बता रखा है, ये दो ऐसे ट्राइंगल जो होता है 3 4 5 वाला, 3 4 5, इसको 4 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो tan थीटा 4/3, तो ये जो एंगल होता है 4 के सामने वाले ये वाला एंगल ये 53 होता है, और 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है, तो एक्चुअल में ये 53 डिग्री होगा, और इसको बोल सकते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ से हम 53 डिग्री चलेंगे ईस्ट की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53 डिग्री
चाहो तो तुम इसको भी बता सकते थे, ये 37 हो जाएगा, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट, तो ये ओरिजिन 0 0 20 मीटर कॉमा 0, तो 20 मीटर कॉमा 0 मतलब यहां पहुंच गया ए से बी पर। फिर रिटर्न होता है अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन के अलोंग आ रहा है और -20 मीटर कॉमा 0 पर जाता है, तो इसकी डिस्टेंस पता नहीं है, तो डिस्टेंस में पाथ की लेंथ मेजर करते हैं, तो 20 मीटर चला, फिर 20 फिर चलेगा, फिर 20 फिर चलेगा, ये भी 20 है, तो टोटल डिस्टेंस जाएगी इसकी 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो समझ सकते 20 मीटर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये चाहो तो -20 मीटर बोल दो सीधा, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, पटना से रांची का डिस्टेंस दिया हुआ बाय एयर, मतलब एरोप्लेन जाएगा तो सीधा सीधा जाता है एरोप्लेन, तो पटना से रांची 260 किलोमीटर, पटना रांची, ठीक है, प्लेन सीधा जाएगा तो यहां से ये वाला डिस्टेंस 260 किलोमीटर है, ठीक। और अगर बाय रोड जाते हैं तो 320 किलोमीटर पड़ता है, तो रोड एकदम स्ट्रेट नहीं होता, एक सिटी से दूसरी सिटी का रोड स्ट्रेट नहीं होता, उसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, तो ऐसे मान लो ऐसे घूमती जा रही बस, तो ये 320 मीटर चलता है, तो प्लेन लेता है आधा घंटा पटना से रांची का और बस लेती है 8 घंटे, तो हमें बताना है इसमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो प्लेन कितना टाइम ले रहा है, प्लेन ले रहा है टाइम 30 मिनट्स, दैट मीन्स हाफ एन आवर, और बस ले रही है 8 आवर्स, ठीक है। तो प्लेन सीधा जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 260 किलोमीटर, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी वो दोनों आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम रहेगी, प्लेन के केस में कितना 260 और टाइम हाफ एन आवर, तो ये 520 किलोमीटर पर आवर, तो प्लेन की हो जाएगी फॉर प्लेन। फिर इसके बाद बस की बात करते हैं, बस का स्पीड, तो ये पाथ की लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो एवरेज स्पीड और बस स्पीड हो जाएगी एवरेज 320 और टाइम दे रहा है 8 घंटे, तो 40 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट 260 है, चल इस पे रही है, पर डिस्प्लेसमेंट सीधी डिस्टेंस लेंगे, तो 260 किलोमीटर कितने टाइम में 8 आवर्स में, ये आ जाएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी बस की स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग, घूमने जा रहा है, ठीक है, और कार से जा रहा है, तो उसकी कार में जो रीडिंग है वो रीडिंग है 1 2 3 5 2 किलोमीटर पहले इनिशियल रीडिंग, ठीक है, और जब घूम के आता है 2 घंटे बाद तो उसकी रीडिंग हो जाती है 1 2 4 1 6, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, ये फाइनल ये इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे इसमें सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 64 किलोमीटर। कितना चला वो, कितने टाइम में चला, 2 घंटे में, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड 64 बाई 2
32 किलोमीटर पर ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी पूछी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो गया घूमकर वापिस आ गया, तो जहां से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं आ गए। ठीक है, ये जो रीडिंग बता रही है ये इसकी बता रही है डिस्टेंस बता रही है, तो वो जो माइलोमीटर जो होता है स्पीडोमीटर जो मेजर करता है कितना चला हुआ, एक्चुअली वो डिस्टेंस होती है। तुम चाहो पूरे भारत के चक्कर लगा के वापस घर पे आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करेगा, वो जो मीटर होगा वो डिस्टेंस चलेगा, तुम्हारी गाड़ी कितना चक्का कितना घूमेगा वो मेजर करता है, तो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये डिस्टेंस है ये वाली जो, ये जो है डिस्टेंस है हमारी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घूम फिर के वापस कहां आ गया, घर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो, तो डिस्टेंस से तो स्पीड निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसके बाद एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच इज मैक्सिमम स्पीड, उसका एक्सेलरेशन बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब स्टार्ट करेगा तो रुका हुआ रहता है एथलीट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, फिर 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई, टाइम लग रहा है कितना 2 सेकंड, एक्सेलरेशन 5 - 0/2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे होमवर्क था जो सॉल्व कर लिया है हमने। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड, कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, गाइस ब्रेक्स एंड स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस फाइव मीटर। 40 की स्पीड चल रही है, ब्रेक सप्लाई करती है और 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, जैसे जहां से मतलब जहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और वहां से वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता जैसे कार चला रहे हो तो ब्रेक लगाया वहीं रुकी का, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, अब मान लो वही कार है सेम, नाउ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अब 80 की स्पीड चल रही है, देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब कितने डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, पहले 40 से चल रही थी तो 5 मीटर पर रुक जाती है, अब 80 से चल रही है तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है इनिशियल स्पीड दी हुई है हमें, पहले वाले केस में 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले केस में 80 किलोमीटर पर आवर, और दोनों केसेस में हमें फाइनल स्पीड भी दिया हुआ है, रुक जाती है मतलब फाइनल स्पीड जीरो, और कार वही है ब्रेक वही लगेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम यहां कंसिडर कर रहे हैं कि ब्रेक जो लग रहे हैं वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से लग रहे हैं, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन लग रहे हैं, डिस्टेंस बतानी है। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस दी हुई है कितना 5 मीटर, दूसरे वाले में बतानी है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एस ए इनमें रिलेशन, तो इन सब में हम रिलेशन बना सकते हैं थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन इसको मैं आप कर रहा हूं एप्लीकेशन को। थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी,
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, ये जीरो है दोनों केसेस में, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, इसको इधर ले आएंगे तो टू ए एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्चुअल में यू टू एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू है। अब यहां पर ए कॉन्स्टेंट है, ए क्या है कॉन्स्टेंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एस टू बाय एस वन इक्वल्स टू यू टू बाई यू वन स्क्वायर। और यहां से तुम फिर सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करके, क्या एस टू मुझे फाइंड करना है, एस वन 5 मीटर है, यू टू 80 है, यू वन 40 है, स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 मीटर। तो स्पीड तुमने डबल कर दी तो डिस्टेंस जो होगी वो कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स डिस्टेंस हमारी 4 टाइम्स होगी। अगर डिस्टेंस तुमने 3 टाइम्स कर दो, सॉरी स्पीड अगर 3 टाइम्स कर दो तो डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो स्लो स्पीड में अगर चलते हैं तो कम डिस्टेंस में रुक जाएंगे, ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो जिससे डबल होगी स्पीड तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स होगी स्पीड तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम फास्ट चलते हैं तो फास्ट चलते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लेके चलना पड़ता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिससे हम ब्रेक अप्लाई करें तो हमें नॉर्मली कह रहे थे कि 40 की स्पीड ब्रेक लगा रहे हैं और 80 की स्पीड ब्रेक लगाएंगे तो बराबर डिस्टेंस रुक जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, मतलब अप्रॉक्स 4 टाइम्स डिस्टेंस रुकेगा अगर डबल स्पीड चल रहे और 3 टाइम्स स्पीड चलेंगे तो 9 टाइम्स डिस्टेंस रुकेंगे। तो ज्यादा स्पीड में चलने पर एक्सीडेंट की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो गाड़ी फटाफट ही रुकेगी, बहुत आगे जाके रुकेगी, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा रहता है अभी चल रही है 50 की स्पीड से, ठीक है, अब 3 टाइम्स होगी स्पीड 150 होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्टली बता सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला इस साइड का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला ही, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है अ पार्टिकल कवर्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। इफ एक्सेलरेशन पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट देन फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड, मतलब 7 सेकेंड के बाद 7 सेकेंड कंप्लीट होता है उसका स्पीड बताना है हमें कितना स्पीड होगा। तो देखो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक चीज दी हुई है हमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन सेकंड इक्वेशन से मिलेगा। पर ना ही हमें यहाँ इनिशियल स्पीड दी हुई है, जैसे पार्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं इतने से स्टार्ट कर, इनिशियल स्पीड भी नहीं दी और हमें एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी यू एंड एक्सेलरेशन ए, ऐसे मान लेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। अब बना लेते हैं, जैसे ये ए से स्टार्ट करता है बी तक जाता है 200 सेंटीमीटर, टाइम लग रहा है कितना, ऐसे जैसे मैं बना रहा है बना सकते हैं 2 सेकंड लग रहे हैं। फिर बी से सी कितना 220 सेंटीमीटर, टाइम कितना लग रहा है इसमें 4 सेकंड लग रहे हैं। इनिशियल स्पीड यू मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ए, तो पहले मैं यहां से यहां ए से बी के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन आती है तुम्हें एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
इसको लॉक कर दे इक्वेशन को. अब इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख लेते हैं. पहले ए से बी के लिए लिख लेते हैं. ए से बी डिस्टेंस कितनी है 200, एस की जगह 200 आ जाएगा. U तो U ही है, टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड, तो ये U into 2 मतलब 2U, हाफ A की जगह A और T की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 equals to 2U plus 2A, तो U plus A आ जाएगा 100. एक इक्वेशन ये मिल गई. दूसरी इक्वेशन मैं पूरा A से C के लिए लिखूंगा, ये C. सेकेंड इक्वेशन ए से पूरा सी के लिए लिखूंगा क्योंकि यहां पर मुझे इनिशियल स्पीड नहीं पता और सेकेंड इक्वेशन में इनिशियल स्पीड आती है, तो मैं ए से पूरा सी के लिए लिखता हूं. तो ए से सी टोटल डिस्टेंस 200, 220, तो टोटल डिस्टेंस आएगी कितनी 420. टाइम यहां 2 यहां 4, तो टोटल टाइम 6, तो टी की जगह 6 आएगा, तो ये 6u प्लस हाफ ए 6 का स्क्वायर 36/2 18 हो जाएगा. 6u प्लस 18a इक्वल्स टू 420, और ये पूरा 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो u प्लस 3a इक्वल्स टू 6 से डिवाइड करेंगे तो 70. इक्वेशन नंबर 2, तो दो इक्वेशन मिल गई मुझे, u प्लस 100, u प्लस 3a 70. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को. ठीक है, क्या करेंगे, 2 में से 1 को सेपरेट कर दो. इक्वेशन 2 माइनस 1 यू यू कैंसिल हो जाएगा, 3 ए माइनस है 2 ए, और ये 70 माइनस 100 माइनस 30, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15, और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब ए की वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दो, तो यू मिल जाएगा मुझे, ये वाला वैल्यू पुट करो यहां पर, u माइनस 15 इक्वल्स टू 100, तो u का वैल्यू आ जाएगा 115 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर. तो u भी मिल गया, a भी मिल गया. फाइनली मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था स्पीड एट द एंड ऑफ ये सेकंड, 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी. तो b और t में रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन से इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, b इक्वल्स टू u प्लस 80, v का वैल्यू 115, a का वैल्यू माइनस 15, और t कितना है हमारा 7, एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, तो ये आ जाएगा 105. सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ 7 सेकंड हमारा स्पीड हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो किस टाइप इक्वेशन हम इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाते हैं जो जेई में पूछा गया था, उनको भी देख लेते हैं एक दो को, इजी इजी क्वेश्चंस को. ठीक है, इसमें दिया हुआ है अ पर्सन, एक क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था जेई में. अ पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकंड, मतलब रुका हुआ एस्केलेटर है, एस्केलेटर समझते होंगे तुम. ठीक है, मॉल वगैरह में वो जो ऑटोमेटिक चलने वाली सीढ़ियां जो लेती है उनको हम एस्केलेटर बोलते हैं. तो वो रुका हुआ है, स्टॉल्ड रुका हुआ है, तो एक पर्सन जो है वो खुद से जैसे नॉर्मल सीढ़ी पे चढ़ते हैं वैसे चढ़ के जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ के जाएगा. यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं एस डिस्टेंस है, टाइम लगता है उसको 60 सेकंड्स, तो उसका स्पीड खुद का स्पीड हो जाएगा पर्सन का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, ये फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में दिया हुआ है इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एस्केलेटर रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अब एस्केलेटर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पहले रुका हुआ था खराब था, अब सही हो गया तो चलने लग गया, तो चलने लग गया तो हम क्या करते हैं उस पर जाके सीधा खड़ा हो जाते हैं और वो अपने आप हमें ऊपर पहुंच देता है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद करता है मेहनत. तो वो क्या कर रहा है, एस्केलेटर चल रहा है, तो सेकंड केस में एस्केलेटर की स्पीड आएगी, डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी है, यहां से यहां पहुंचना है एस, पर टाइम उसमें 40 सेकंड से लगेंगे. पर्सन अगर चल के जा रहा है तो 60 सेकंड्स,
और पर्सन रुका हुआ है, एस्केलेटर चल रहा है, तो 40 सेकंड्स लग रहे हैं। अब क्या है थर्ड केस, मैं पूछा है हमसे कि एस्केलेटर भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं उसके साथ साथ उसके ऊपर, तो कभी कभी क्या होता है जल्दी होती है मूवी, हमने टिकट ले लिया, पहुंचने में लेट हो रहा है, लिफ्ट भी एकदम बिजी है, तो हम क्या करेंगे एस्केलेटर पे, वो तो खुद चलता रहता है, हम भी उसके ऊपर चल के जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है थर्ड वाले केस में, पर्सन तो चल ही रहा है, एस्केलेटर भी चल रहा है, तो जो टोटल स्पीड होगी वो दोनों की एड हो जाएगी, पर्सन भी चल रहा है साथ में और उसके ऊपर एस्केलेटर भी चल रहा है, तो जो नेट स्पीड आएगा वो क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, ये भी लेके जा रहा है और ये भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड एड हो जाएगा, तो ये टोटल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस वही है तीनों केसेस में, डिस्टेंस टाइम पूछा है, वीपी एस बाय 60 है, एस बाय 40 है, एस 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 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लेंगे हम 60 40 का 120 2 प्लस 3, तो t की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 120 बाय 5, दैट मीन्स 24 सेकेंड, 24 सेकेंड। तो खुद से जा रहे हैं तो 60 सेकंड लग रहा है, एस्केलेटर लेके जा रहा है 40 सेकंड लग रहा है, अब थर्ड केस में दोनों जा रहे हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है, तुम भी भागे हो उसके ऊपर, तो टाइम लगेगा 24 सेकंड, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू, मतलब ये क्यू एक लोकेशन दी हुई है, जैसे डायग्राम बना हुआ है, यहां पर एक पर्सन है कार में बैठा हुआ है और एक स्ट्रेट हाईवे ऐसे जिस पर वो 20 स्पीड चल सकते हैं, मतलब क्यू से एम तक ये स्ट्रेट हाईवे, इस पर 20 स्पीड चल सकते हैं, यहां पे स्पीड दी है इसका, ठीक है, और उसे पहुंचना है पॉइंट बी पर, ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो फील्ड में, मतलब खेत के अंदर वो पॉइंट है, वहां पहुंचना उसको कार लेके, और वो हाईवे से डी डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट, ये हाईवे जा रहा है सीधा, इससे डी डिस्टेंस पर है पॉइंट, ठीक है, और स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ इज दैट ऑफ द हाईवे, मतलब यहां पर अगर हाईवे पे 20 स्पीड चलता है रोड के ऊपर 20 है, तो खेत में उसकी स्पीड हो जाएगी आधी, मतलब यहां से यहां वो वी बाई टू से जाएगा, अगर ऐसे जाता है तो ऐसे जाता है, इस रोड से जाता है तब भी वी बाई टू से ही पहुंचेगा, इधर पूरा वी से चलेगा, इधर वी बाई टू से जाएगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम, ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा, इसका वैल्यू क्या होगा, so that the time taken to reach P is minimum, तो टाइम बताना है हमें, मिनिमम टाइम लगे, ये वाला डिस्टेंस बताना है जिससे यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम मिनिमम हो, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से, यहां से स्टार्ट करता है मूव करना, ये इनिशियल पोजिशन है, फाइनली P पर पहुंचना है, ये हाईवे वाला रोड है और इसके इधर खेत है पूरा, ठीक है, खेत में उसकी स्पीड आधी रह जाएगी हाईवे की, ये वाली डिस्टेंस हाईवे से इसकी डिस्टेंस डी है, तो हमें बताना है x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब ये सीधे सीधे जाएगा फिर पॉइंट पी दिखने लगेगा, तो वो हाईवे से नीचे उतर जाएगा और खेत में जाएगा इसे कार लेके, तो कहां से हाईवे से उतरेगा, तो ये वाली डिस्टेंस m से कितने डिस्टेंस से हाईवे से उतरेगा, rm का वैल्यू हमें बताना है, ये कितना होगा जिससे उसे कम से कम टाइम लगे यहां तक पहुंचने में, मिनिमम टाइम बताना, ठीक है, तो मिनिमम टाइम बताना, तो ये डिस्टेंस को x मान लेता है, ये d है, तो ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं कितना, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये वाले डिस्टेंस को हम कुछ भी एल मान लेते हैं, टोटल क्यू से एम की डिस्टेंस एल ले लेते हैं, तो ये बची हो जाएगी हमारी एक्स है, तो रिमेनिंग हो जाएगी एल माइनस एक्स, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस फिक्स है, क्यू से एम की डिस्टेंस फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट है, एल जो है ये कॉन्स्टेंट है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी, एक्स वेरिएबल है, ठीक, हमें निकालना है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे टाइम निकाल लेंगे, पहले यहां से यहां तक का टाइम t1 कितना आएगा, डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है वी, फिर यहां से यहां तक का टाइम डिस्टेंस रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्पीड वी बाई टू, टोटल टाइम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, एल माइनस एक्स अपॉन वी, ये टू पर पहुंच जाएगा, टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी। अब इस टाइम की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, टाइम मिनिमम आना चाहिए, उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जहां पर भी क्वेश्चन में मिनिमम या फिर मैक्सिमम पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज की मिनिमम कब होगा या क्या होगा, इसका पर्टिकुलर मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा क्या होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम जहां भी दिखता है तुम्हें, तो वहां पर सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए हमें मैक्सिमम मिनिमम वाले जो हमने डिफरेंशिएशन बताई थी। तो जहां पर मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन यूज में रहेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, जो वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो टाइम आ गया हमारा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, फॉर मिनिमम टी टी शुड बी मिनिमम क्या होना चाहिए, डी टी बाई डी एक्स, यहां पर जो भी वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जीरो, तो स्पीड दिया हुआ है मैं भी, तो ये वेरिएबल नहीं, वेरिएबल एक्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां पर बी तो कॉमन आ रहा है तो उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, एल माइनस एक्स, तो ये दिया हुआ है, प्लस टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी तो हमें कॉमन ले लिया, इक्वल टू जीरो, करो डिफरेंशिएशन, बी को जाके जीरो के साथ मिल जाएगा, एल कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का हो जाएगा माइनस वन प्लस टू रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, और फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस टू जीरो, ठीक है, वन को उधर ले जाओ, टू और टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये टू और ये टू बचेगा, तो टू एक्स अपॉन रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन उधर गया प्लस में हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, फोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो यहां से एक्स की वैल्यू जाएगी डी बाय रूट ओवर थ्री, तो जहां से वो टर्न लेगा हाईवे से उतरेगा, ठीक है, तो उस आर की एम से डिस्टेंस होगी डी बाय रूट थ्री, अगर इतने डिस्टेंस पे उतरता है तो टाइम लगेगा वो मिनिमम हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा डी बाय रूट थ्री, इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डिफरेंशिएशन यूज में आ रहा है, ये 2018 में आया था जेई के अंदर, ठीक, और भी क्वेश्चन है उनको तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चन को, और कुछ हमने पोर्शन भी पढ़ा नहीं है तो उनको पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख दिया था तीनों, उसके अलावा एक और चीज लिख लेते हैं, एक और चीज जैसे ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, एनथ सेकंड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई पर्सन ए से बी जा रहा है और उसे टोटल टाइम लग रहा है 10 सेकंड, टोटल टाइम 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, ए से चला यहां तक कहीं पहुंचा, मान लो इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, ये पी ले लो, कुछ भी पॉइंट ले लो, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टोटल 9 सेकंड लग रहे हैं, सपोज ए से सी पी तक जाने में 9 सेकंड लग रहे हैं और ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां तक 9 सेकंड पूरे हो जाते हैं, यहां तक क्या होते हैं 9 सेकंड पूरे हो जाते हैं, इसके बाद जो है वो 10वां सेकंड स्टार्ट होगा, 10th सेकंड स्टार्ट होगा, इसके बाद 10th सेकंड स्टार्ट होगा, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर की ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड, 10वें सेकंड में मतलब 10वें सेकंड 9 सेकंड कंप्लीट होगा, उसके बाद जो स्टार्ट होगा 10वां सेकंड स्टार्ट होगा, तो और जो 10वां सेकंड खत्म होगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड, 10वें सेकंड में कितने डिस्टेंस चली उसने, एक पर्टिकुलर 1 सेकंड 10 सेकंड उसमें कितना डिस्टेंस चला, तो वो
हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। तो ऐसे में निकाला डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में ये n सेकंड लग रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स Sn। n सेकंड्स, पूरे n सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इनिशियल स्पीड u मान लेते हैं, एक्सेलरेशन के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर निकल रहे ना यहां पर, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, ut plus half at square, t की जगह हम टाइम n रख देंगे, यानी un plus half an square। इसके बाद आ जाएगा ये पॉइंट p ले लेते हैं, ये वाले डिस्टेंस रहेगी डिस्टेंस कवर्ड इन n minus 1 सेकंड्स। तो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन n minus 1 सेकंड्स, तो जाएगी s n minus 1 u n minus 1 plus half a n minus 1 square। मुझे निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nवे सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस मूव किया, ये वाला वैल्यू। तो ये s nth sn माइनस एस एन माइनस वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना आता है, यूएन यूएन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यू बचेगा एक, तो यहां पर ठीक है, इधर हाफ एन स्क्वायर और एन माइनस वन स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, तो ये प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पर माइनस हाफ ए और ये माइनस टू एन प्लस वन, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ऐसा दिखता है, ये ए वाई टू टू एन माइनस वन, इस माइनस को अंदर ले गए तो यहां प्लस और यहां माइनस बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तुमसे पूछ लिया फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, एन का वैल्यू फाइव रख देंगे, सेवन सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, एन का वैल्यू नाइन रख देंगे, ट्वेल्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, एन का वैल्यू ट्वेल्व रख देंगे, तो उससे हम क्या जाएगा एन वे सेकंड में एस एन सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी तुम ध्यान रख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं, इसके अंदर ग्राफ्स, ग्राफ्स के बारे में देखेंगे, किस किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बना रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स और टी के बीच में, एक्स वर्सेस टी, ठीक है, एक्स पोजीशन और टाइम, एक्स को चाहो तो तुम डिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से भी, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ सबसे पहले हम ले लेते हैं रेस्ट के लिए, फॉर रेस्ट फर्स्ट, तो रेस्ट में क्या होता है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, पोजिशन चेंज होगा, तो ये रेस्ट का ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, टाइम बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल की पोजिशन फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट के लिए इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। दूसरा बात है यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ बना सकते हैं, एक्स और टी में, ये टी और ये एक्स, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्स प्रोपोर्शनल टी, जैसे टाइम चेंज होगा वैसे पोजीशन भी चेंज होगी उसी रेशियो में, तो ये एक्स प्रोपोर्शनल टी, इसका ग्राफ ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाता है इस तरह से, ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा।
तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हुआ है, x और t पोजीशन डायग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ, डिस्टेंस डायग्राफ, सीधी लाइन बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या चीज ध्यान रख सकते हैं, इसी जो एंगल होता है ये वाला एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ठीक है, तो सर स्लोप ऑफ स्लोप एक्स टी ग्राफ, ठीक है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं टैन थीटा से, वो एक्स बाई टी हो जाएगा या डी एक्स बाई डी टी एग्जैक्टली अगर बोले तो स्लोप को हम ऐसे बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन से भी शो कर सकते हैं और टैन थीटा से भी शो कर सकते हैं। तो उसका स्लोप जो होगा उससे हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो जो भी इस ग्राफ का स्लोप निकलेगा वो स्पीड हो जाएगा। तो जैसे अगर जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, स्लोप कम होता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है या वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे स्लोप से, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड, इसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दें, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ये होता है, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, चाहो तो तुम इसको ऐसे ले सकते हो कुछ भी, जैसे x इक्वल टू बी टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो b टू बी टी मिलेगा, और एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 2b मिलेगा, b कांस्टेंट है 2b कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन से बता सकते हैं ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और देखो x प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, यहां सिंगल पावर और यहां डबल पावर, तो यहां सिंगल यहां डबल, तो जो ग्राफ आएगा वो पैराबोला आएगा, इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एक्स और टी इस तरह से, ठीक है, ऐसा जो ग्राफ बनेगा ये पैराबोला होता है, मतलब जो कि इसको इधर भी बना सकते हैं तो इसी तरह बनाएंगे इस तरह, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव क्यों एक्सेलरेशन, यहां पर कंटिन्यूअसली स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, कैसे पता चल रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, कैसे, इस पॉइंट पे स्लोप बनाओगे तो एंगल इतना बनेगा, टेंजेंट बनाएंगे तो इस पर बनाएंगे तो ये एंगल बनेगा, यहां बनाएंगे तो एंगल ये बनेगा, तो कंटिन्यूसली देखो एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है हर पॉइंट पर, तो जैसे जैसे ऐसे जाते जा रहे हैं एंगल बढ़ता जा रहा है मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ है इस तरह से भी बना, चाहो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का बता सकते हो, फिर रिटार्डेशन का अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे इस तरह से बन जाएगा एक्स और टी में इस तरह से, ये भी पैराबोला ही है, ठीक है, पर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा यहां पर, कैसे, यहां पर भी स्लोप से देख सकते हैं, यहां पर देखेंगे तो जो टेंजेंट बनेगी ऐसे बनेगी, ये एंगल बनेगा इतना, यहां पर देखेंगे तो एंगल ऐसे बनेगा, यहां पर देखेंगे तो एंगल वो छोटा होता जाएगा, तो धीरे धीरे जो एंगल है एक्स एक्सिस का जो एंगल बदलता जा रहा है वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा मतलब यहां पर स्पीड कम होती जा रही है, यहां पर स्पीड मैक्सिमम है, जैसे जैसे जाते जा रही है स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जीरो की तरफ जा रही है उस तरफ, मतलब इसमें क्या हो रहा है हमारा रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट, पूरा ये भी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हो इसको, चाहो तो तुम कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन बोल, इसको चाहो तो तुम क्या बोलोगे, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम वेरिएबल अरे एक्सेलरेशन ग्राफ बनाएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन में एक्स प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब कर दो, ठीक है, एक्स टू टी टू दी पावर फोर कर दो, कुछ भी कर दो तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर ग्राफ ऐसा पैराबोला नहीं दिखे तुम्हें, पैराबोला दिख नहीं जाएगा, मान लो ऐसा दिख रहा है पहले से ज्यादा फिर से ज्यादा चेंज होंगे,
तो इसको चाहो तो तुम बोल सकते हो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है। अगर ऐसे आएगा सीधा तो रेस्ट में, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी तो यूनिफॉर्म मोशन, खाली ऐसे पैराबोलिक बनेगा एक शेप, ठीक है, इतना ही बस। तो उसका मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो फिर वो आ जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये ऐसे हम पोजिशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं अलग अलग। दूसरा आ जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी की जगह चाहो तुम स्पीड भी ले सकते हो। इसमें भी अलग अलग बना सकते हैं, जैसे रेस्ट के लिए अगर बनाएंगे रेस्ट, तो रेस्ट में स्पीड क्या होगी जीरो, तो ग्राफ दिखेगा ही नहीं। मतलब यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे लाइन दिख रही खाली ऊपर ऊपर नीचे कहीं भी कोई लाइन नहीं दिख रही, इसका मतलब रेस्ट है, ठीक है। मतलब स्पीड जीरो, तो जीरो स्पीड ग्राफ ऐसे कुछ भी नहीं दिखेगा, ग्राफ ही दिखेगा। अब मान लो हमें बनाना है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे पैरेलल जो ग्राफ आता है ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है, मतलब ये जो है ये कांस्टेंट है, ऐसे जो ग्राफ आएगा मतलब ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम बना लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं, तो ये वी, ये टी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक फिक्स रेट से स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब v प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू t, v t के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ जो आएगा वैसा आ जाएगा स्ट्रीट लाइन। तो स्ट्रीट लाइन इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रीट लाइन ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक और बना सकते हैं, उसमें हम स्पीड को डिक्रीज कर देंगे एक कांस्टेंट रेट से, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ अगर बना हुआ है तो ये भी स्ट्रीट लाइन, अगर स्ट्रीट लाइन दिखता है मतलब ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन भी हो सकते हो। ये कांस्टेंट रिटार्डेशन को शो करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये शो करेगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा इस तरह से। और यहां पर देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकता हूं और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से सुनना, यहां पर जो स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स, इसके साथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, यहां पर भी ये जो पॉजिटिव एक्सिस का जो एंगल बनाएगा, ये लाइन जो एंगल बनाएगी वाला, ये लाइन जो एंगल बना रही है, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं टैन थीटा स्लोप, और स्लोप जो होगा यहां पर डीवी बाई डीटी के इक्वल होगा, और डीवी बाई डीटी होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखो इस जगह लिख देते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू टैन थीटा और फिर डीवी बाई डीटी, और ये इक्वल्स टू होगा एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे हम स्लोप निकालकर, यहां पर जो भी स्लोप होगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि जब थीटा का वैल्यू जीरो से 90 के बीच में होता है तो टेन थीटा हमें पॉजिटिव मिलता है, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और टेन थीटा का वैल्यू जब 90 से ज्यादा हो गया, तो एक ग्रेटर देन 90 दिख रहा होगा तुम्हें एंगल, तो जब टेन थीटा 90 से ज्यादा हो गया, ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो गया, तो टेन थीटा जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, यहां पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हम बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
या नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालेंगे किससे, स्लोप फाइंड करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और दूसरा हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे सिंपल से ग्राफ की बात करते हैं, सिंपल वाला ग्राफ बना लेते हैं पहले समझने के लिए। ये v है और ये t है। मान लो एक पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, वो कितने टाइम तक चलता है, 10 सेकंड तक। 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 10 सेकंड तक चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि कॉन्स्टेंट है 10 इंटू टाइम 100 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक चल रहा है, तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। और इसको चाहो तो तुम इस ये जो रेक्टेंगल बनेगा ऐसे, इस रेक्टेंगल के एरिया से निकाल सकते हो, इधर भी 10, तो 10 इंटू 10 100। तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया बनेगा, या फिर इसको मैं बोलूंगा ये एरिया अंडर द कर्व, ये लाइन है इसके अंडर का एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व से मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ऐसे यहां पर भी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं इसका एरिया निकालू, एरिया अंडर द कर्व, यहां पर भी अगर मैं एरिया निकालू, एरिया अंडर द कर्व, कर्व बन रहा है उसके अंडर का एरिया, तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा इसका एरिया से, एरिया से मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को बोल सकता हूं मैं एरिया अंडर द बीटी कर्व या ग्राफ जो भी है, उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। और एक रिलेशन होता भी है हमारे पास, क्या होता है रिलेशन, हाँ देख देखो v equals to dx by dt होता है रिलेशन। तो dx equals to v dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से x को लिख सकते हैं, ये भी इंटीग्रेट कर देंगे, यहां 0 से t, x1 से x2 जो भी होगा। तो ये इंटीग्रेशन मतलब यही होता है, इंटीग्रेशन का मतलब v dt का इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है यहां पर, इस इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर v और dt, मतलब bt, bt कर्व, इसका मतलब यही होता है इंटीग्रेशन, या फिर एरिया अंडर द कर्व। इससे हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं इस चीज से। तो दोनों निकाल सकते हैं, स्लोप से तो क्या निकलेगा, मतलब स्लोप मतलब डिफरेंशिएट करने से, स्लोप से निकलेगा एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और इससे स्लोप से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तुम्हें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड फोर्थ सी डी जो भी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है, और नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, कर्व बना देंगे कुछ भी, चौदह ऐसा कर्व बना दो, स्ट्रेट डी कर्व बना हुआ है, ऐसे बना दो, ऐसे अच्छा लग रहा, ऐसा बना दो, मतलब कैसा भी कर्व बना सकते हो, वो अगर कर्व बन रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहां पर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा अगर कर्व बन रहा है, तो बता सकते हैं कहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कहां पर नहीं है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, यूनिफॉर्म अगर ऐसे से घूम रही है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। ये एक्सेलरेशन वाला ये पोर्शन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर आ जाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें जाओ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना लो, टी है और ये ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें दिख जाएगा एक ऐसे स्ट्रीट लाइन, एओ डी के बीच में ऐसे स्ट्रीट लाइन बनी हुई है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर इस लाइन के अलावा कैसे भी लाइन बना दो, टेढ़ी मेढ़ी सीधी कैसे भी लाइन बना दो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ऐसे लाइन बना दी, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो तुम्हारी इच्छा हो जैसे बना दो, वो सब क्या हो जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएंगे। और इसमें भी इससे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, ऐसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मेथड वही है एरिया अंडर द कर्व, यहां पर भी एरिया स्लोप से कुछ नहीं निकलेगा, डीए बाई डी टी हम नहीं करते हैं, एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, तो जो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारी एरिया अंडर मीटिंग एटी एक्सेलरेशन टाइम का। ठीक है, और या फिर हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल लेंगे, या सॉरी इंटीग्रेशन से, इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी होता है हमारा, यहां से डीवी इक्वल्स टू ए डी टी, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी वन से डी टू, वी वन से वी टू, जो भी करना चाहो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं और एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ग्राफ्स हो गए, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर, तो बुक में से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, एक स्पीड ऑफ कार दी हुई है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है स्पीड और टाइम में, ये टाइम है ये स्पीड है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, जीरो टू फोर यहां तक, यहां फोर यहां टू यहां सिक्स यहां एट, टाइम दिया हुआ यहां टेन, सॉरी टाइम नहीं, ये स्पीड है 20, ये मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में, इस तरह से ग्राफ बना हुआ, ये ग्राफ है ये 20, ये 10, सॉरी ये 8, ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, हमसे पूछा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा 8 सेकंड में, यहां तक 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे जाएगी डिस्टेंस इक्वल्स टू इसका एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना था, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस 8 हाइट 20, सॉल्व करेंगे 80 मीटर। और एक और चीज पूछी हमसे इसमें, यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन को स्लोप से निकाल सकते हैं, टाइम थीटा स्लोप हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइम थीटा, तो ये हो गया 20 और ये 8, 20 बाय 8, ठीक है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बता चुका हूं, तो इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ्स के भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें होमवर्क मिल जाएगा। और इसके अलावा तुम अकेडमी की वेबसाइट से, वेबसाइट पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा डाउनलोड्स के अंदर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो एक होमवर्क दूंगा, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और
तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, टॉपिक से पढ़े हुए। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमें पता चलता है किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।